पाकिस्तान के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। परमाणु युद्ध और सामूहिक विध्वंस नामक इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि इस सीरीज में हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर उत्तर कोरिया ने अमेरिका के पेंटागन पर परमाणु मिसाइल से हमला कर दिया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया मात्र 72 मिनटों में समाप्त हो जाएगी। ये हम नहीं बल्कि अमेरिकी लेखक की वो किताब कह रही है जिसे लेकर इस समय पूरी दुनिया में तहलका मचा है। अमेरिकी लेखक एनी जैकबसन का कहना है कि अमेरिका की नीति है लॉन्च पर त्वरित कार्रवाई, यानी यदि कोई भी देश अमेरिका पर किसी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा तो अमेरिका को तुरंत अपना मिसाइल सिस्टम ऑन कर देना होगा, क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐसी ही रक्षा नीति बना रखी है जिसे अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा बदला भी नहीं गया है। यद्यपि अमेरिका के पूर्व रक्षा सलाहकार नित्ज का ऑन रिकॉर्ड ये कहना है कि अमेरिका इस अक्षम्य नीति को तुरंत खत्म करे, नहीं तो धरती से मानव सभ्यता का अंत करने के लिए अमेरिका का नाम सदैव काले अक्षरों में लिखा जाएगा। यद्यपि लॉन्च पर त्वरित कार्रवाई की नीति को अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों ने खत्म करने का अभियान तो चलाया, लेकिन जब वे राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन हर अमेरिकी चुनाव में इस नीति पर परिवर्तन की बात जोर शोर से उठती है। जैकबसन का कहना है कि ऐसा मामला जिसके बारे में हर अमेरिकी को पता होना चाहिए, वे चाहते हैं कि इस खतरनाक नीति को रात में ही तोड़ देना चाहिए, यानी ये ऐसा जरूरी मामला है जिसके लिए सुबह होने का भी प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए। एनी जैकबसन ने 1983 में एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था द डे आफ्टर। तब वे हाई स्कूल के छात्र थे। ये फिल्म अमेरिका और सोवियत रूस के बीच परमाणु युद्ध के एक काल्पनिक वर्णन पर आधारित थी। इस फिल्म को आधे देश के लोगों ने देख डाला था। यद्यपि इस फिल्म को प्रदर्शित ना करने के लिए निर्माता पर बहुत भारी दबाव था, लेकिन इस फिल्म को अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने भी देखा था। उन्होंने इसकी निजी स्क्रीनिंग कराई थी। यद्यपि तब उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति को ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी रीगन ने ये फिल्म देखी। तब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि ये फिल्म देखने के बाद वो बहुत उदास हो गए थे। फिल्म देखने के बाद रीगन ने फ़ोन उठाया और तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव को फ़ोन किया और दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर गंभीरता से बात की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब परमाणु अस्त्रों को डी न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए। इसी के बाद से सारे संसार भर में इस बात पर चर्चा आरंभ हुई कि परमाणु अस्त्रों के ढेर पर बैठकर हम अपने देश को तो बचा नहीं पाएंगे, साथ ही साथ सारे संसार को भी एक महासंकट में डाल देंगे। इसके बाद परमाणु शस्त्रों का निरस्त्रीकरण आरंभ हुआ। तब जाकर पूरे संसार में मात्र 12,500 परमाणु बम अभी शेष हैं, जबकि इससे पहले इनकी संख्या 70,000 के आसपास थी। ये एक वास्तविकता है कि द डे आफ्टर फिल्म देखने के पहले राष्ट्रपति रीगन की स्थिति बहुत सख्त थी और वो बहुत आक्रामक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिल्म देखने के पश्चात उनका दृष्टिकोण बदला और वे पहले के अनुपात में बहुत शांत और गंभीर हो गए। चेतावनी पर प्रक्षेपण एक ऐसी अमेरिकी सुरक्षा नीति है जो हर राष्ट्रपति के ऊपर असाधारण रूप से दबाव डालती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या कोई भी देश, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो, क्या परमाणु मिसाइल को मारकर गिराया जा सकता है? इस बात का उत्तर अमेरिकी लेखक एनी जैकबसन ने अपनी पुस्तक न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो में दिया है। वे कहते हैं कि जैसे हर देश की यह धारणा है कि अमेरिका आने वाली परमाणु मिसाइल को मार गिरा सकता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम परमाणु हथियारों से बचाव नहीं कर सकते। फिर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम आखिर क्या कर सकते हैं? लेकिन ये पूरा सच नहीं था, क्योंकि एक अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल ने ये कहा था कि जैकबसन अपनी पुस्तक से ये पन्ना हटा दें, क्योंकि उनके अनुसार अमेरिका के पास एक गुप्त आयरन डोम है और संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए 44 इंटरसेप्टर मिसाइलों पर निर्भर है। ये बात उस अमेरिकी अधिकारी ने बताई थी जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नोराड के लिए काम किया था। अब उनके द्वारा दी गई ये जानकारी वास्तविकता के तथ्य पर ही आधारित थी। अकेले रूस के पास इस समय 1674 परमाणु हथियार प्रक्षेपण के लिए तैयार स्थिति में है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इंटरसेप्टर केवल लगभग 50% ही प्रभावी हैं, वो भी सर्वोत्तम परिस्थितियों में। बिल्कुल जैसे जब आप परीक्षण कर रहे हो और आपको ठीक ठीक पता हो कि मिसाइल कहाँ जा रही है। ये एक क्यूरेटेड परीक्षण है, इसलिए लोगों का ये विचार है कि हमारे पास एक आयरन डोम प्रकार की एक ढाल है, लेकिन इसकी संख्या मात्र 44 है। और यदि रूस की ही बात करें तो उसके पास हर समय 1674 परमाणु हथियार प्रक्षेपण के लिए तुरंत तैयार रहने वाली स्थिति में तैनात है। तो मान लें कि यदि रूस की अमेरिका पर परमाणु मिसाइल से हमला करता है
तो सिर्फ 44 ही बार अमेरिका इस परमाणु हमले को नाकाम कर सकता है, लेकिन इसके बाद 45वीं मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका के हाथ खाली रहेंगे। लेकिन यदि रूस की रक्षा प्रणाली की बात करें तो रूस द्वारा अपनी सभी ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 5,500 किलोमीटर से भी अधिक है, तो ऐसी ही ICBM को अमेरिका की ओर लॉन्च के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है, जबकि उसके मुकाबले में अमेरिका के पास इसे रोकने के लिए अभी कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं है। अमेरिका के स्ट्रेटकॉम के कमांडर का कहना है कि मानवता तो पहले ही नष्ट हो चुकी है, फिर भी रूस और अमेरिका अपने हथियार लॉन्च करते रहते हैं और वो ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि व्यवहारिक रूप से कोई भी आदमी जीवित बचा रहेगा। संसार में जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तब एक कहावत बहुत मशहूर हुई थी, ट्रेडमिल पर बंदर। इसमें प्रयोग किया गया जिसमें बंदरों और मनुष्यों दोनों को ट्रेडमिल पर दौड़ाया गया। कुछ देर बाद देखा गया कि मनुष्य तो ट्रेडमिल पर दौड़ते रहे लेकिन बंदर ट्रेडमिल से उतर गए। बंदरों को ट्रेडमिल पर दौड़ते समय ये एहसास हो गया कि इस दौड़ से वो कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं, अतः वे उस पर से उतर गए। इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला गया कि संकट को पहचानने की क्षमता मनुष्यों से अधिक बंदरों में है। जैकबसन का ये भी कहना है कि जब परस्पर सुनिश्चित विनाश की बात आती है तो बंदर मनुष्यों से अधिक चतुर होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं जैकबसन की उस पुस्तक के उस अध्याय की ओर जिसमें उन्होंने 72 मिनट में संसार के समाप्त होने की भविष्यवाणी की है। वैसे तो उन्होंने एक काल्पनिक युद्ध का प्रसंग अपनी पुस्तक में लिखा है, लेकिन जब आप इस वर्णन को पढ़ेंगे तो लगेगा ये घटना ठीक वैसे ही घट रही है जैसे द डे आफ्टर फिल्म में थी, जिसमें सोवियत रूस और अमेरिका के परमाणु युद्ध की घटना दिखाई गई थी। जैकबसन अपनी पुस्तक वॉर अ सिनेरियो में लिखते हैं कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका के रक्षा संगठन पेंटागन पर एक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद परमाणु बम से हमले की शुरुआत होती है। इसके बाद कैलिफोर्निया में एक परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाया जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि अमेरिका की ओर से जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया जाता है और महज 6 मिनट में ही उत्तर कोरिया पर न्यूक्लियर हमले तेज हो जाते हैं। इस किताब के अनुसार इस हमले से दुनिया में युद्ध छिड़ जाता है जिसके फलस्वरूप अरबों लोगों की मृत्यु हो जाती है। वैसे तो जैकबसन इस पुस्तक को कल्पना पर आधारित बताते हैं, लेकिन जिन तथ्यों और युद्ध नीतियों को आधार बनाकर वो पुस्तक लिखते हैं उसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि 72 मिनट में परमाणु हमले से दुनिया खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार की अमेरिका रक्षा प्रणाली है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अमेरिका एक परमाणु मिसाइल से हमले का जवाब परमाणु बमों की वर्षा करके देगा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो दर्शकों, आज के इस तीसरे एपिसोड में बस इतना ही। जैसे कि इस पुस्तक में लिखा है कि मात्र 72 मिनट में ही सारे संसार भर में तबाही फैल जाएगी, जिसे रोकना उसी तरह असंभव होगा जैसे मुंह से निकली बात वापस नहीं होती और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। वास्तविकता तो यह है कि अभी तक हमने जितने भी संत महात्माओं की भविष्यवाणियां दिखाई हैं उसे आप कल्पना मान सकते हैं, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि संसार किस स्थिति तक जा पहुंचा है। जिस मानव सभ्यता के अस्तित्व के संकट को आप कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यदि वस्तु स्थिति को देखा जाए तो हम पूरी पृथ्वी पर ही घात लगाए बैठे हैं। तो मिलते हैं इस सीरीज के चौथे एपिसोड में, जिसमें हम आपको मिनट दर मिनट बताएंगे कि किस मिनट में कौन सी घटना घटेगी और कैसे 72 मिनट में सारा संसार एक शमशान घाट में परिवर्तित हो जाएगा। तो अभी के लिए हमें अनुमति दें, मिलते हैं शीघ्र ही। और जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके इस बहुमूल्य समय के लिए सदैव आभारी रहेंगे और हम ये आशा करेंगे कि आप हमारे चैनल को देखना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।